बुद्धिहीन तनि जानिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहे हरेश्व कालेश विकार। सो जय महाकाल। जैसे कि आप देख रहे हैं आज हमारे अखाड़े में बजरंगबली की पूजा लंगोट के साथ की जा रही। नया लंगोट लाए तो पंडित की तरह तो नहीं, बस जितनी श्रद्धा भाव होती उसी श्रद्धा भाव के साथ लंगोट की पूजा करके कल से वर्जिश शुरू। सबसे पहले दोस्तों बजरंगबली को तेल और सिंदूर चढ़ाया जा रहा और सिंदूरी रंग का ही लंगोट। फोटो लगाने के बाद फूल का हार, फोटो के ऊपर फूल माला, और अब बारी है दोस्तों लंगोट की। लाल लंगोटे वाले को लंगोट अर्पण, उसके बाद ही इसको हम धारण करेंगे। ये देखिए दोस्तों भगवान बजरंगबली को लंगोट चढ़ा के इसके बाद लंगोट पहन के अभ्यास किया जाएगा। अब धूप दीप आरती। दोस्तों ये नए समतौल्य मुक्की साथ ही साथ लंगोट के साथ समतौल्य मुक्की की भी पूजा अर्चना, उसी के बाद ही इसका अभ्यास। ये देखिए दोस्तों नए और पुराने मुद्गर समतोला मुखी गदा और भगवान बजरंगबली। तिलक बजरंगबली का सिंदूर गधे पे, उद्गर पे, समतोले मुखी पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमको शक्ति प्राप्त हो सके। पहले धूपबत्ती बजरंगबली को दिखाते हुए तो दोस्तों ये था लंगोट की पूजा करने का विधान। और लंगोट पहनने से पहले कभी भी आप एक मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिए, बुद्धिहीन तनि जानिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहे हरेश्व कालेश विकार। ये मंत्र का कम से कम आप 3 बार जाप करके लंगोट क्षत्रिय प्राणायाम और अभ्यास वर्जिश पहलवानी ये स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाकाल जय श्री राम।